शिवपुरी जिले के पिछोर और आसपास के बहुत से गांवों में ओलावृष्टि से गेहूं, चना और सरसों की फसल प्रभावित हुई है और कई गांवों में तो फसल को अधिक नुकसान हुआ है। तेज हवा के साथ बारिश होने से कुछ गांवों में किसानों का कहना है कि खेत में फसल बीज गई है और सरसों की फसल बड़ी हो गई थी और उसमें फूल आ गया था, तो वह भी अब तेज बारिश से झड़ गए हैं और खेतों में आड़ी हो गई है, जिससे भारी मात्रा में नुकसान हुआ है। ओलावृष्टि जिन खेतों में हुई है वहां फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है, जिससे अब किसानों का कहना है कि हमने जैसे तैसे तो फसल की बुआई की थी, एक एक बोरी खाद की बोरी के लिए तरस गए थे और उधारी लेकर खेतों में जुताई की थी, पर इसके बाद खेतों में बुआई की गई तो फिर पानी देने के लिए बिजली का बिल जमा किया और अब फसल बड़ी हुई तो इतने मेहनत के बाद तो अब ओलावृष्टि से फसल नष्ट हो गई। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। अब क्या चाह रहे हो, क्या चाह रहे हो? अब सर हम ये चाहते हैं कि हमारी फसलों का उचित सर्वे कर उचित मुआवजा दिया जाए। पटवारी लोग क्या करते हैं, ले दे के किसी के ले लिया, उसका लिख दिया, नुकसान हुआ बेचारे, उसको कुछ मिलता ही नहीं है। पटवारी गड़बड़ करते हैं, पटवारी गड़बड़ नहीं पूरा गड़बड़ करते हैं। अब तुम चाहते हो तत्काल सर्वे हो? हम चाहते हैं कि पटवारी हमारे साथ चलें और हम साथ ही मेलों पे चलें, हम उनको बताएंगे कि नुकसान हमारा ये है, वो उसका उसकी लिखें और वो इधर आगे बढ़ाएं और हमारे को मुआवजा दिया जाए। बस अभी चाहते हो तो अभी तुम्हारी अभी 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 तुमसे बात कर रहा हूँ। क्या नाम तुम्हारा भैया साहब? किसान है हम। हाँ, और हमने फसल के लिए पैसा कर्ज से लिया था साहब, दिन दिन भर बोरी के लिए खड़े रहे, एक एक बोरी लेके हमने खाद की दी, ट्रैक्टर वाले को पैसा दिए 5 रुपया की दर से, ब्याज से पैसा उठा के दिया कर्ज से। अब साहब हमारी फसल पूर्ण तरह से नष्ट हो गई, अब हम कहाँ से वो पैसा दें, कहाँ से अपना चलावा चलाए घर का खर्च, और शादी बच्ची की शादी करने थी साहब, इसलिए हमने और बढ़ा के फसल भी थी इस साल। अच्छा। लेकिन पूरी नष्ट हो गई पूर्ण तरह से साहब, और कर्मचारी पटवारी सवेरे के पागल बनाए, वे आई नहीं रहे साहब, फोन कर रहे दिन में नहीं सुना, हमारा बंद कर लिया और अब हमारी कोई सुनने वाला नहीं यहाँ आया साहब। दूसरा काम धंधा, दूसरा कोई कुराना के बजाय साहब काम धंधा, मजदूरी तसला की भी नहीं मिल रही, दो पैसे का धंधा नहीं है, क्या करें बताओ। बिजली के बिल वगैरह, बिजली का बिल साहब बकाया दिया, जुताई दी साहब और लगत, गेहूं भी ले गए साहब इतने उतने से लिया, कछु ब्लॉक से लिया, 20,000 रुपए लेके गया मैं 10 रुपए के एक बार से, क्या करें बताओ। ढोरों से परेशान है, ढोर ढोर अला दे रात भर भगा रहे, गौशाला में एक ढोर नहीं पहनती है। जो जानवर वो हमारे ऊपर एक आहत बन के बरसी और हमारी लहलाती फसल को समाप्त कर दिया, और आज आप जाइए खेतों फसल जगह डंडल खड़े हैं, यानी ओलावृष्टि हुई ना, उससे हम काफी नुकसान हम लोगों का हो गया। कौन सी फसलें बर्बाद हुई हैं? सरसों, गेहूं, चना, मटर, ये सब हमारा इस समय, आप जाएं और आप देख सकते हैं आप। तो कितना कितने गाँव के नुकसान हुआ है? अभी हम अड़जार, रामपुरा, कोयलन, कुटावली, बदनपुर और काफी दर्जन से गाँव जाते हैं, राजापुर, आगरा, मलावनी, पटसेरा, इन सब लोग, भरतपुर से सब लोग हम आए हुए हैं। और भी गांव जिनका पता हो या जिन गांव से लोग आए, जगह बाबक, प्राणपुरा और कोयलन है, हमारे दादाजी कोयलन से आए हैं, गजोरा भी, गजोरा गजोरा। अच्छा, तो क्या मतलब ओले से पूरी फसल बर्बाद हो गई? सर जी, जो अपन जो किसान है, कम से कम हम लोग 15 और 20 गांव के किसान है, मतलब कोई एक गांव किसान नहीं है, सब अलग अलग में आए हैं। अभी भी आप में लेके बताओ जरा, हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।